ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सुवसाहूणं परमभये सबखण्डिते कर्मकाण्डसमुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमी चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य निमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और यहाँ हम उसका हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। कर्मों के बंध के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी उदय के बारे में कुछ चर्चा चल रही है कि उदय की विच्छित्ति के बारे में हमने बात देखी थी। पहले उन्होंने बताया किसी विशिष्ट प्रकृति का उदय कहाँ विशिष्ट गुणस्थान में होता है, तो आहारक और आहारक अंगोपांग का उदय कहाँ देखा था, छठे में ही है, आगे नहीं है तो विच्छित्ति भी वहाँ कहने में आएगी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तेरहवें और चौदहवें दोनों में है, तो तेरहवें चौदहवें में तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से सातवें तक, वेदक सम्यक दृष्टि जो है उसके होता है। इस तरह से कौन से प्रकृति का उदय कहाँ नियम रूप से होता है वो बात बताए। अब उदय की विच्छित्ति में क्या देखना है कि जिस गुणस्थान तक उसका उदय है, आगे उसका उदय नहीं है, वहाँ पर उसकी विच्छित्ति कहने में आती है। तो इसमें पहले दूसरे गुणस्थान के बारे में दो मत है। पहले में 10 कहेंगे तो दूसरे में 4 कहेंगे, पहले में 5 कहेंगे तो दूसरे में 9 कहेंगे। तो वो कौन सी 5 प्रकृतियां हैं जो पहले गुणस्थान में ही जिसका उदय है, आगे कहीं पर भी नहीं है? हाँ, मिथ्या तो आतक सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण। यहीं पर किसी ने वो तो यानी किसी आचार्य के मत के अनुसार एक इंद्रिय स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय यहाँ पर कहेंगे तो 10 यहाँ हो जाएगी। यहाँ अगर यहाँ 5 लेते हैं तो ये बाकी 5 दूसरे गुणस्थान में और वहाँ के कषाय अनंतानुबंध। इस तरह से पहले और दूसरे गुणस्थानों की बंध विच्छित्ति हुई। तीसरे गुणस्थान में एक ही है जो सम्यक मिथ्यात्व उदय वहीं पर है, आगे कहीं पर भी नहीं है। चौथे की 17 है, याद हो गई कि नहीं हुई? हो गई, हाँ बोलो बोलो। अनंत नहीं, अप्रत्याखन, अप्रत्याखन अवन की 4। हाँ, तीर्यंच की नहीं, देखो वैकृत षटक जिसको कहेंगे, नैने देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैकृत वैकृत अंगोपांग। अभी दो आयु भी बताना, कौन से, नरकायु और देवायु। हाँ, अब दो अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी, उसके बाद दुर्भग अनादेय अयशस्वी, ये चौथे गुणस्थान की 17 हुई। पांचवे गुणस्थान में 8 देखी थी, कौन सी 8? हाँ, 4 कषाय वहाँ बता देना और फिर हाँ तिर्यंच संबंधी बताना, कौन कौन सी है? तीर्यंच गति, गत्यानुपूरी यहाँ नहीं बताना, वो चौथे गुणस्थान में जाती है। हाँ, तीर्यंच आयु, उद्योत और नीच गोत्र, ये पांचवें गुणस्थान की बात है।
छठे में जैसे हमने आहारक आहारक अंगोपांग को देखा ही देखा था, और तीन कौन से? तीन निद्रा, स्यान वृद्धि वगैरह तीन निद्रा। सातवें गुणस्थान में एक तो सम्यक प्रकृति है और नीचे के तीन सहनन है, क्योंकि नीचे के तीन सहनन वाले सातवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते, तो वहाँ उसका उदय पाया जा सकता है। आठवें गुणस्थान में तो आसान है, हाँ छः नौकश है। अब नौवें गुणस्थान को बताना है, हाँ तीनों वेद पहले भाग में, सवेद भाग में तीन वेद, किसी को नपुसक वेद का उदय है, किसी को स्त्री वेद का है, किसी को पुरुष वेद का है। उसके बाद हाँ संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ का कहाँ लेना? दसवें में अकेला एक लेना। ग्यारहवें में दो सहनन, सेकंड और थर्ड नंबर का, और बारहवें में हाँ सोलह। तो पहले दो कौन सी कहनी? निद्रा प्रचला उपांत समय में, और अंतिम समय में ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार और ये पाँच, वो चौदह और दो सोलह। तो दसवीं की हुई, बारहवीं की हुई, बारहवीं की हुई। तेरहवें में वेद नहीं, वेदनीय, हाँ वेदनीय में से कोई एक, फिर हाँ वज्रवृषम नारा सहनन निर्माण, फिर स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, औदारिक औदारिक अंगोपांग, तेजस और कारण, छह संस्थान, फिर वर्ण रसगंध स्पर्श, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्यक्ष शरीर, ये तीस हो गए, क्योंकि एक वेदनी हमने यहाँ लिया एक जीव की अपेक्षा से। नाना जीवों की अपेक्षा दोनों ही चल रहे हैं, इसलिए नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा कथन में डिफरेंस होगा। अब चौदहवें गुणस्थान की, हाँ यानी दूसरा वेदनीय भी यहाँ कहेंगे किसी को, है ना? यानी देखो वहाँ कैसे याद रखना है, चार अघाती है ना, तो एक आयु यानी मनुष्यायु है, उच्च गोत्र है वहाँ पर, और वेदनी एक है, ये तो तीन हो गए। अब नाम कर्म की गिनना है, गिनो। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस बादर पर्याप्त, सुभग आदेय यश कीर्ति, और किसी को जिसको होगा उसके तीर्थंकर। इस तरह से ये उसकी उदय उच्चति वहाँ होती है। हाँ पहले पहले बता दिया था हमने, अन्य तीन प्रकृति पहले, चार अघाती में से एक वेदनीय, एक आयु और वो बता दिया था पहले, और नाम कर्म की केवल गिनी थी। जरा प्रश्न लेके आगे बढ़ेंगे, कारमान शरीर का उदय तेरहवें गुणस, कारमान शरीर मत करना, कारमान शरीर नाम कर्म कहो, तेरहवें गुणस्थान में समाप्त तो हो गया है, फिर चौदहवें गुणस्थान में कर्म कैसे बाकी है? शरीर नाम कर्म के उदय में नया शरीर यानी नए परमाणु ग्रहण होते हैं, तो चौदहवें गुणस्थान में नए परमाणु नहीं ग्रहण हो रहे, कारमान शरीर नहीं रहा ऐसा किसने बताया? औदारिक शरीर भी है चौदह वाले को, कारमान शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, वे नाम कर्म का उदय मिट गया है, उदय मिट गया, अभी सत्ता में वो पड़े हैं, परंतु जब उसका उदय होगा तब उस जाति के परमाणु आएंगे। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में कर्म आएगा, वो रुक गया अभी अयोग केवल ही, इसीलिए उदय की विच्छित्ति नहीं, उदय रुक गया किसका? कारमान शरीर नाम कर्म का। तो चौदहवें में अयोग केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय मिट गए हैं, इसलिए नए परमाणु आया ना रुक गया है, परंतु जो ऑलरेडी पहले बने हैं, जो कर्म रूप हुए हैं, वो तो खिर रहे हैं, यानी वहाँ परिपूर्ण संवर हुआ है, अब केवल अभी निर्जरा चल रही है। ख्याल में आती है, जो है उसमें से चलते जाएंगे, क्योंकि अंतर्मूर्त बाकी है। कुछ प्रश्न है? बराबर ख्याल नहीं आया उनके, है ना? चौदहवें में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय रुक गया है, तो औदारिक शरीर के परमाणु कब तक जीव ग्रहण करेगा? संयोग केवली के अंतिम समय तक, अयोग होते ही
शरीर के परमाणु का ग्रहण रुक गया है। शरीर संबंधी सभी का ये स्थिर अस्थिर क्या है, जो शरीर के परमाणु लेते हैं उसमें जो अवयव बनते हैं उसमें जो उस रूप रहना या अन्य अवयव रूप होना ये कार्य है, वो 13वें में चलेगा, 14वें में सब कार्य रुक गया। वज्र ऋषभ नाराज सहनन का भी उदय रुक गया है। अब का हड्डी बनी है वो थोड़ी नष्ट होने वाली है, उदय में नए परमाणु उस जाति के ग्रहण होते, ये उसका अर्थ होता है। वो शरीर नष्ट हुआ ऐसा नहीं कहा, उसका फल क्या है, नए परमाणु का ग्रहण, वही उसका फल है। कारमान शरीर बना है वो तो पड़ा है वहां पर, कारमान शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया, नाम कर्म से कर्म बना, जो ऑलरेडी कर्म बना है वो वहां पड़ा रहेगा, उसी में से तो परमाणु जा रहे हैं। शरीर तीनों पड़े हैं, 14वें गुण स्थान वाले को औदारिक शरीर है कि नहीं है, शरीर है ना, उसके तेजस शरीर है, कारमान शरीर है, नाम कर्म के उदय रुक गए हैं। शरीर अलग बात है और नाम कर्म, शरीर नाम कर्म अलग बात है। ये औदारिक शरीर यहाँ दिख रहा है, औदारिक शरीर नाम कर्म दिख रहा है, वो तो कर्मों में पड़ा है, ख्याल में आई बात। शरीर रिलेटेड कर्म से सिर्फ आधे कर्म 14वें गुण स्थान तक रहता है, बाकी सारे 13वें में हो जाते हैं, समझाए। देखो दे, आधेय और यश कीर्ति और सुभग, इसका उदय चल रहा है वहाँ पर, बाकी रुक गए हैं। दृष्टि खुल जाती है, आँख नहीं खुलने का कारण क्या है? नींद में उठते, हाँ दृष्टि खुल जाती है, सपने देखते हैं, आँख नहीं खुलती है, दर्शना ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये दृष्टि खुलती आँख नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है, ये तो लौकिक भाषा अलग बात होती है। हाँ, भाव कर्म पौद्गलिक है, उनका सूक्ष्म फिजिकल स्ट्रक्चर है क्या? अब भाव कर्म किसको कहते हैं आप? कषाय को अगर भाव कर्म कहेंगे तो वो पौद्गलिक नहीं है, उसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, उसको जो पौद्गलिक और पुद्गल का और अचेतन कहने में आता है समय सार में, वो अलग बात है, वो बात अपेक्षावश है, क्योंकि उससे भेद ज्ञान कराना है। प्रवचन सार पहले पढ़ना चाहिए, बाद में समय सार, सब पहले राग को पुद्गल का ही बना देते, पहले राग को जीव पहुंची वाले छे, अभी क्या सुना घंटे भर। जीव की पर्याय जीव स्वयं कर रहा है, कर्म की पर्याय कर्म स्वयं कर रहे हैं, जीव ने कर्म बांधा ऐसा कथन आने पर भी जीव ने एक परमाणु तक को नहीं बांधा, न समय न क्षय किया, ये बात ख्याल में रखकर फिर हमको ये निमित्त की भाषा या निमित्त के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, नहीं तो निमित्ताधीन दृष्टि पहले ही है और फिर और ये नया और मिथ्या तो खड़ा कर दिया हमने कि कर्म ने जीव को भरमाया है ना, कर्म के कारण ही हम दुखी है, कर्म के कारण ही हम भटक रहे हैं। प्रत्येक पर्याय कितनी स्वतंत्र है, अभी देखे ना, द्रव्य अपनी प्रत्येक पर्याय स्व समय पर निश्चित पर्याय को करता ही करता है, वो कर्म आए उसका उदय तीव्र हुआ इसलिए जीव को तीव्र, ये सब कथन की बातें हैं, ऐसे कोई पराधीनता किसी भी द्रव्य में नहीं, ना जीव में है ना जड़ में, सभी द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल अपना अपना परिणमन स्व समय पर जो होना है जो निश्चित है वही होगा, उसमें बिल्कुल हेरा फेरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। षड्गुण हानि वृद्धि कहाँ होती है? प्रत्येक पर्याय में होती है, पर्याय के अपने जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें होती रहती है। शरीर में निगोद जीव अपने अपने कर्मानुसार ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑपरेट कर रहे किस अपेक्षा से आप पूछ रहे हैं? देखो देखो, निगोद किसको कहेंगे? जो साधारण नाम कर्म के उदय वाले जीव है, अनंतों का वो एक ही शरीर है, एक शरीर में आकर वो उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पर भी अपने अपने परिणाम जुदे जुदे कर रहे हैं। औदारिक शरीर एक है, हर एक के कर्म जुदे हैं, हर एक के तेजस शरीर जुदे हैं, हर एक के हर समय के परिणाम जुदे हैं और उसके अनुसार वो नया कर्म भी बांध रहे हैं। केवल औदारिक शरीर एक है, उनकी आयु समान है, एक साथ जन्मने वाले एक साथ मरते हैं, पर्याप्त पर्याप्त एक साथ जन्मते, अपर्याप्त पर्याप्त एक साथ जन्मते हैं, उनके जो कुछ शरीर के परमाणु का ग्रहण है वो एक साथ हो रहे हैं, बस इतना ही।
बाकी क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपने अपने राग में जल रहे हैं, अपने अपने कषाय करके नया कर्म बांध रहे हैं, ख्याल में है ना। परसेंटेज ऑफ निगोद जीव इन वन बॉडी, कौन सी वन बॉडी, निगोद की बॉडी या अपनी बॉडी? असंख्यात निगोद शरीर है, एक राई जितने कटके में, ये बॉडी यानी मांस है ना, मांस का टुकड़ा है, मांस है ये। मांस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आधार से निगोद रहते हैं। तो इतनी राई जितने कटके में, वो तो आलू प्याज में जो लागू होता है वही इस शरीर में लागू होगा। मांस भक्षण क्यों नहीं करते हैं? कि उसके राई जितने कटके में असंख्यात देह है निगोद के, और एक एक निगोद शरीर में अनंत जीव है। कितने? तीन काल की जो सिद्ध राशि है उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में। तो ये शरीर किसका है, आपका है कि निगोद का है? हम तो अकेले हैं, वो तो अनंत अनंत है, और हम कहते हैं हमारी बॉडी है, वो कहते ना हमारी है। किसमें प्रश्न नहीं समझ में आया? सिद्ध राशि एट एनी गिवन पॉइंट, यानी आज से अनंत काल जाएगा तो भी एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव है। इसका मतलब जो अनंत गुणा जीव है उनको भव्य राशि में नहीं गिन सकेंगे। क्यों नहीं गिन सकेंगे? सिद्ध राशि में नहीं गिन। अरे सारे भव्य थोड़े ही सिद्ध हो चुके हैं, और कुछ काल का एंड तो है ही नहीं है। सभी भव्य थोड़े ही सिद्ध होने वाले हैं, सभी भव्य कभी सिद्ध नहीं होने वाले, नहीं तो हो चुके सारे सिद्ध। अभी वो संसार खाली अभव्यों का रहा, ऐसा कभी होगा? अरे कितने ही नित्य निगोद में तभी भी पड़े रहेंगे ही नहीं गए, और उसमें कितने भव्य जीव पड़े रहेंगे, और संसार राशि में भी भव्य अभव्य दोनों रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, हमने ये उदय की उच्चति देखी है, अब उदय की उदीर्णा की बात देख के आगे बढ़ते हैं। उदय तो किसको कहेंगे? जो निषेक सत्ता में पड़ा है अभी वर्तमान में, जो उदय रूप है उसको उदय कहेंगे। और सत्ता के जो निषेक है, हमने उस दिन जो निषेक देखे थे एक समय में बंधने वाले देखे थे, बंधने के बाद वो सत्ता में पड़े रहते हैं, और जिसकी जिसकी स्थिति पूरी होते वह निषेक उदय रूप है। वर्तमान में जो निषेक उदय रूप है ना, वो कर्म परमाणु अभी अकर्म रूप होकर चले जाएंगे, और तभी उसका फल मिलेगा, उसको कहेंगे उदय हो रहा है। तो वर्तमान एक निषेक के परमाणुओं का उदय हो रहा है, भविष्य में वो अनेक सागरों के पड़े हैं निषेक, प्रति समय एक एक निषेक सत्ता में पड़ा है। अब ऊपर के सभी निषेकों में से, यानी उदयावली आवली प्रमाण, उदय के समय से लेकर आवली प्रमाण निषेकों को उदयावली कहते हैं। फिर से उदय का एक निषेक, ऊपर का दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे आवली में कितने समय होते हैं? जघन्य युक्ता संख्या। तो इतने जो निषेक है उसको छोड़कर उसके ऊपर का निषेक, ऊपर का कहाँ तक? अंतिम तक। उन सभी निषेकों में प्रति समय कुछ परमाणु नीचे आकर्षित होकर अपनी स्थिति घटाकर नीचे आते हैं और उदयावली में आकर जुट जाते हैं, उसको कहते हैं उस कर्म की उदीर्णा हुई। तो उदय तो हर समय चल रहा है, कौन सा उदय कहाँ विच्छित्ति होती वो हमने देखा था, तो किसी कर्म की उदीर्णा की विच्छित्ति कहाँ होती है उसको देखना। दूसरी बात हमने ये भी देखी, अपने अपने बंद समय से लेकर अपना आबाधा काल पूर्ण होने पर वो पर्टिकुलर परमाणु उदय रूप निषेक में आकर खिर जाते हैं, परंतु उदीर्णा की अपेक्षा वो आबाधा का प्रमाण एक आवली प्रमाण होता है। बंध के एक आवली के बाद वो बंध की अपेक्षा उसकी आबाधा चल रही है, फिर भी उन सभी निषेकों में से कुछ परमाणु सत्ता वाले जो उदयावली चल रही है उसमें आकर मिलते और उदय रूप हो जाते हैं। तो हम कहेंगे उदीर्णा एक आवली के बाद होती ही होती है। अब जीव के परिणामों से कोई लेना देना नहीं, ये तो कर्मों का अपना स्वभाव है कि बंध के बाद एक आवली के बाद उदीर्णा नियम से होती है। इसमें अपवाद है आयु का, आयु का जब उदय शुरू होता है उसकी भी उदीर्णा नियम से होती है, हर समय उसकी उदीर्णा हो रही है। कब तक? जब तक मरण के पहले आवली और एक समय बाकी है, तो उस एक समय में से नीचे के आवली में परमाणु आएंगे तो उसको उदीर्णा कहेंगे,
बाद में उदीर्णा नहीं होगी, एक एक निशय उदय रूप होकर खिल जाएगा। यानी आयु के भी ऊपर के निषेकों में से परमाणु का, अभी हमारी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो हमारे जी रिमेनिंग निषेक है उसमें से भी थोड़े थोड़े परमाणु हर समय खिरते ही रहते हैं उदीर्णा होकर। ऐसी उदीर्णा प्रत्येक कर्म में चलती ही रहती है, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती है। परंतु हमें अभी यहाँ ये बात देखनी है कि सातार असाता का उदय कहाँ तक है। उदय में पूछ रही हूँ, अरे 14 तक किसी को असाता का है किसी को साता है, परंतु उनकी उदीर्णा कौन से गुणस्थान तक है, तो कहते छठे तक। छठे गुणस्थान के ऊपर वेदनी के ने साता हो या असाता हो उसकी उदीर्णा नहीं होती। उसमें सामान्य अपकर्ष उत्कर्ष जो होना है वो उदयावली में आकर वो निकल जाना, ऐसी उदीर्णा वेदनीय कर्म में नहीं होती और आयु कर्म में भी नहीं होती। जैसे छठे में आयु कर्म की उदीर्णा चल रही है, सातवें में जाते ही आयु की उदीर्णा रुक जाती है, ऊपर के गुणस्थानों में तो है ही नहीं। तो उदीर्णा की विच्छित्ति कहाँ होगी, वेदनी के लिए छठा गुणस्थान, आयु के लिए छठा गुणस्थान। बाकी अपने अपने उदय की विच्छित्ति के साथ उसकी उदीर्णा की भी विच्छित्ति देखेंगे, क्योंकि आपके पास चार्ट है ना, जरा देख लेना, कल जो हमने देखा था 21 नंबर का चार्ट था। किसी जीव को पाप का बंध हो रहा है, हाँ, उदय पुण्य का है। उदय पुण्य का है, जब उदीर्णा कहते हैं तो जिसको पाप का बंध हुआ है तो एक आवली के बाद उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा होगी पुण्य के उदय के साथ उसकी भी उदीर्णा होगी, कैसे सकती है? हाँ, उसकी उदीर्णा होती है ना, क्या है वो उदयावली में तो आ मिलेंगे, उदयावली में उसके, क्योंकि पुण्य और पाप का भी उदय अंतर्मुत में पलटता रहता है, तो उदीर्णा होकर उदयावली में आ चुकेंगे और फिर वो या तो थ्यूक संक्रमण होगा या पाप का उदय शुरू होगा, तो उस रूप से उदय में आ जाएगा। यानी पूरा का पूरे निषेक नहीं आते, नीचे थोड़े परमाणु आते हैं। देखो ये उदीर्णा की विच्छित्ति उदय के साथ देखना है आपको, चार्ट नंबर आपका देखना 21 नंबर का। देखो हमने उदय की विच्छित्ति 5 या 10 की देखी थी ना, तो उदीर्णा की भी 5 लिए, 9 और 4 वहाँ 9 ली उदीर्णा। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, वहीं पर उसकी उदीर्णा भी होगी। चौथे में 17 का उदय है, उसी की उदीर्णा वहाँ पर भी रुक जाएगी विच्छित्ति। पांचवे में 8 बताए, उदीर्णा भी 8 की होगी। अब छठे में क्या विशेषता है, वहाँ उदय की विच्छित्ति 5 की ही थी, कौन से 5? आहार अंगो, हाँ शरीर और 3 निद्रा, पर यहाँ 8 लिखा है, क्यों? हाँ, 2 वेदनीय और आयु, इसलिए यहाँ 8, क्योंकि उत्तर प्रकृतियों को गिन रहे ना, वेदनीय ये मूल प्रकृति हुई, पर साता भी और असाता भी गिनना है, इसलिए यहाँ 5 के बदले 8 कह दिया। सातवें में 4 के जगह 4 की उदीर्णा विच्छित्ति होती है, आठवें में 6 का उदय विच्छित्ति, 6 की उदीर्णा विच्छित्ति, नौवें में भी 6 और 6, दसवें में सूक्ष्म लोभ का उदय की विच्छित्ति है, तो उदीर्णा की भी विच्छित्ति वहीं पर होगी। 11वें गुणस्थान में 2 सहना, 12वें में वो 16, अब 13वें में क्या लिखा है, वहाँ 29 लिखा था, एक जीव की अपेक्षा एक वेदनीय लिया था, और वो 39 लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने कुछ उदय रूप है आगे भी और यहाँ पर भी, उदीर्णा की विच्छित्ति, यानी 14वें गुणस्थान में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं है। 14वें गुणस्थान में उदय है, उदीर्णा किसी की भी नहीं है, इसलिए जितने अभी बाकी है वो सारा यहीं पर कह देंगे, इसलिए यहाँ 39 बता देंगे। जरा जोर से क्या कह रहे, कर्म का नष्ट, अभी सुनो, 13वें गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय की विच्छित्ति हुई, 29, तो वो नष्ट होने चाहिए ना, तो नहीं, तो 13वें गुणस्थान वाला संयोग केवली अभी इतने अनंत बलधारी है, कितने कर्मों का क्षय करते हैं 13वें गुणस्थान वाले, जब वो अज्ञानी नहीं अल्पज्ञानी थे, तो 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया, प्रत्यक्ष उनको दिखते भी नहीं थे कर्म, नहीं समझे, अनंत वीर्य भी नहीं था, अनंत ज्ञान भी नहीं था,
और चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया। अब ये अरिहंत हुए तो 13वें गुणस्थान में कितने कर्मों का क्षय किया उन्होंने? एक भी नहीं। तो उनके अनंत बल का क्या हुआ? अरे किसी कर्म का, किसी जीव का या किसी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं चलता है, वो कर्म अपने कारण से चले जाते हैं अपने समय पर। ख्याल में है ना? जीव ने तो अनंत सुख प्राप्त कर लिया, वो कर्म थोड़ी देर उसके साथ में बैठे तो उनको क्या तकलीफ है? शरीर के रहते हुए, कर्म के रहते हुए, अरे केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो आपको समय दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता है। उसको अपकर्षण कहेंगे, उदीर्ण है वो उदयावली में आम होगा। हाँ, और बाद में वो भी रुक जाएगा, अपना अपना अयोग केवली में एक एक निषेक उदय रूप हो जाएगा। देखो तो यहाँ इतने ज्यादा क्यों लिए? क्योंकि पहले पहले जो तीन हुए थे ना, हाँ वो तो पहले हुए, उसमें से माइनस करो, और 14वें में जो उदय रूप होने वाले हैं उसको प्लस करो। हाँ तो 10 इसमें मिला गया, तो 39 की उदीर्णा यहाँ पर ही कही। 14वें में जो उदय रूप है वहाँ उसकी उदीर्णा नहीं है, उनकी उदीर्णा भी यहीं 13वें में रुक गई, और तीन प्रकृति तो पहले रुक गई थी, यानी 13 प्लस करो और 3 माइनस करो, ये उसका अर्थ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी हम उदय की बात देख ली है। ये हो सकता है, डिपेंड्स कौन से प्रकृति की है और किस परिणाम कौन से है, वो जरा अलग बात है उसमें। अनुभाव के साथ होता है। हाँ देखो, जो सामान्य से उदीर्णा होती है उसमें कोई परिणाम का निमित्त नहीं, परंतु जहाँ वो उदीर्णा भी असंख्यात गुणा बढ़ती है, हाँ वहाँ कहेंगे जीव के विशुद्धि के कारण होती है, क्योंकि अपकर्षण का ही परिणाम प्रमाण बढ़ता है, तो उदीर्णा का भी प्रमाण बढ़ता है। क्योंकि ये सब बहुत साइंटिफिक और सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि वो कितने जितने अपकर्षण होता है उसमें उदयावली में कितना दिया जाता है, ऊपर कितना जाता है, उसके लिए कौन सी संख्या से भाग देते हैं, वो भागहार भी जब जीव शुद्धोपयोग में तो बदल जाता है। इसलिए वहाँ असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा ऐसा कहते वो श्रेणी में होगी, वो अन्यथा नहीं होगी। पर सामान्य से उदीर्णा है उसमें जीव ने पुरुषार्थ किया इसलिए उदीर्णा हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी निषेकों में से आते, सभी निषेकों में से आते, एवरी ईच एंड एवरी निषेक में से आते हैं। इसीलिए जो जहाँ पड़े हैं उसमें कैसे भाग देना, कितने परमाणु नीचे आएंगे, पूरा परमाणु परमाणु तक का हिसाब बताया है शास्त्र में। हाँ वो तो गणित में इंटरेस्ट हो तो पूरा पढ़ लेना उसको। हाँ अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे। ये हमने उदीर्णा की विच्छित्ति भी देख ली, अभी थोड़ी सत्ता की बात हम देख लेते हैं। पेज नंबर 339 निकालो। ये देखो अलग अलग मार्गणाओं में कैसा उदय होता है, कुछ कौन सा नहीं है, वो सब बताया यहाँ पर, वो बात हमने छोड़ दी है, क्योंकि पहले में पहले मार्गणाओं का स्वरूप ख्याल में आना है। जो हमने 20 प्ररूपना देखी थी जीवकांड के आधार से, उसमें मार्गणाओं का विस्तार से स्वरूप देखा था, तो वो मार्गणाओं में उसकी क्या विशेषता ये ख्याल में लेते हैं, तो उस मार्गणा वाली जीव कौन से कर्मों का बंध कर सकते हैं, उस वहाँ कौन से कर्मों का उदय है, ये बात अगर क्लियर हो जाएगी तो उसमें वो उसकी विच्छित्ति भी हम घटा सकते हैं। इसके लिए क्रम से आप पढ़ते जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब हमको सत्ता देखनी है गुणस्थानों में। पेज नंबर 339, ये उदय प्रकरण के बाद सत्ता का निरूपण करते हैं ना, 333 नंबर की गाथा, वहाँ से पढ़ेंगे। तो गुणस्थानों में सत्व कहते हैं, गुणस्थानों में सत्व का अर्थ क्या है, ये सत्ता कहाँ से आ गई बंध के बाद, उसको क्या कहेंगे, वही सत्ता वाला कर्म कहेंगे। बंध के द्वारा सत्ता पहले ऑलरेडी थी और वहाँ बंध हो रहा है, तो जिसका बंध है उसकी सत्ता कहने में आ जाएगी। तो मेरा ये प्रश्न है, मिथ्यात् गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या?
तो मिथ्या तो गुणस्थान में तीर्थंकर प्रभु की सत्ता रहेगी क्या? हाँ, रहती रहती कैसे रहेगी? जिसने दूसरे या तीसरे नरक का बंद किया, नरकायु का बंद किया था, बाद में उसने समय तो प्राप्त किया, पर क्षायिक वाला नहीं हुआ है ना, तो मरण के पहले वो मिथ्या तो गुणस्थान में जाएगा केवल एक अंतर्मूर्त के लिए, तब वो बंद नहीं कर रहा है, परंतु उसने बांधे हुए थोड़े नष्ट होने वाले हैं, वो सत्ता में पड़ा है। इस तरह से मिथ्या तो गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होगी। तो आहारक अंगोपांग की सत्ता होगी किसी को? उसको भी हो सकती है, क्योंकि किसी मुनिराज ने उसका बंद किया है और वो मिथ्या तो नहीं गए हैं। परंतु क्या एट ए टाइम तीर्थंकर और आहारक की सत्ता होगी किसी मिथ्या दृष्टि को, एक जीव को? बता ना कैसे होगी? एक ही जीव को तीर्थंकर की भी और आहारक की सत्ता मिथ्या तो गुणस्थान में है, ऐसा हो सकेगा क्या? हाँ हाँ नहीं हो सकते, क्योंकि तीर्थंकर सहित मिथ्या तो में जाने वाला कौन होगा? जिसने पहले नरकायु बांधी है वो होगा, वही मिथ्या तो में जा सकता है। अभी वो आहारक कैसे बांधेगा, क्योंकि आहारक का बंध तो सातवें में होगा, और जिसने नरकायु का सत्व है वो तो ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे, उसका पांचवा भी नहीं होगा, तो छठा सातवा का सवाल नहीं। हाँ, परंतु क्रम से हो सकती है। क्रम से कैसे? किसी ने पहले, किसी मुनिराज ने वो आहारक का बंध किया, कालांतर में मिथ्या तो गए, वो तो फिर आहारक की जो उद्वेलना हो चुकी, फिर तीर्थंकर का बंध किया, यानी नरकायु बांधी बीच में, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो वो बाद में उसकी उद्वेलना करने के बाद उसमें जा सकता है, पर दोनों की सत्ता लेकर पहले गुणस्थान में कोई नहीं जाएगा। दूसरे गुणस्थान में तो आते ही नहीं ना, दोनों ही आते हैं। अभी यहाँ देखते हैं पेज नंबर 339। मिथ्या तो गुणस्थान में जिसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, कैसे हो सकते हैं? हमने देखा अभी, उसको आहार द्विक का सत्व नहीं होता, और जिसके आहार द्विक का सत्व है उसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता, इसलिए अभी आहार का सत्व लेकर मिथ्या तो में जाने वाला जीव, जरूरी नहीं नरक में गया हो या कहीं पर गया हो या देव में गया हो, मिथ्या तो में गया है, क्योंकि आहार का सत्व भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्यात वर्षों तक रहता है, तो अन्य अन्य उसमें भटक सकता है वो, इसलिए मिथ्या तो गुणस्थान में युगपद यानी एट ए टाइम एक जीव की अपेक्षा तीर्थंकर और आहार द्विक इन दोनों का सत्व नहीं होता। एक का ही होगा, नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे हम मिथ्या तो में उसका सत्व है, एक जीव की अपेक्षा नहीं होगा, परंतु अनुक्रम से एक जीव को पहले आहारक का था, उसकी उद्वेलना हुई, बाद में तीर्थंकर का हुआ, ये हो सकता है, तो अनुक्रम से हो सकता है, और नाना जीव ने अनेक अलग अलग जीवों की अपेक्षा उन दोनों का सत्व मिथ्या तो गुणस्थान में होगा, यानी किसी को तीर्थंकर की सत्ता होगी, किसी को आहारक की होगी। सासादन में एक जीव की अपेक्षा या नाना जीवों की अपेक्षा क्रम से या युगपद तीर्थंकर और आहारक द्विक का सत्व नहीं पाया जाता, यानी वो आहारक द्विक वाला वो तो इसमें आएगा ही नहीं, और तीर्थंकर वाला भी दूसरे गुणस्थान में कभी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में आने वाले कौन से जीव होते हैं? औक्षमिक समय दृष्टि जीव है, और औक्षमिक के साथ वो आहारक का वो जो उसकी बात नहीं बनती। मिश्र में एक तीर्थंकर का सत्व नहीं पाया जाता, यानी तीर्थंकर प्रकृति वाला दूसरे या तीसरे गुणस्थान में कभी नहीं जाएगा, मिथ्या तो में जा सकता है जो नरक के सम्मुख वाला है, वो दूसरे तीसरे आहारक द्विक वाला तीसरे में जा सकता है, पहले में जा सकता है, दूसरे में वो भी नहीं जाएगा। अब नीचे का पैराग्राफ लास्ट दो लाइन, चारों क्षेत्र ने गति संबंधी जिनके आयु बंधी हो, इसका अर्थ है जिसने आयु का बंध किया हो, कौन से, किसी ने मनुष्य आयु, तिरंज आयु, देवायु, नरकायु, कोई भी आयु क्यों न बांधी हो, उसको सम्यक्त्व हो सकता है, सम्यक्त्व होने में कोई बाधा नहीं है। नरकायु का भी किसी ने बंध किया है पहले, फिर भी वो सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो उदाहरण है ना, श्रेणी के राजा। परंतु देवायु बिना अन्य गति संबंधी आयु, गति नहीं कहा, अन्य गति संबंधी आयु नहीं, जिसने मनुष्य आयु का बंध किया है
जिसने तीर्यंचायु का बंध किया है या जिसने नरकायु का बंध किया है, वे तीर्यंच तो अनुव्रत को और मनुष्य अनुव्रत या महाव्रत को प्राप्त नहीं हो सकते। सिंपल भाषा में जिसने मनुष्यायु तीर्यंचायु या नरकायु का बंध किया है उसको पांचवा भी गुणस्थान नहीं होता तो मुनि होने का सवाल नहीं। तो शास्त्र में आता है ना श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहा, तो उसका गुणस्थान चौथा था क्या पांचवा? क्यों? पहले नरकायु बांधी थी, उसके सत्व पड़ा है तो उसको पांचवा गुणस्थान नहीं प्राप्त। यानी हमें वो, अरे हमने कहाँ देखा उनका कौन सा गुणस्थान था? हाँ, परंतु ये तो शास्त्र का वचन है ना, नरकायु तो पहले बांधी थी उन्होंने, बाद में सम्य दर्शन हुआ। सम्य दर्शन होने में क्या, क्षायिक सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं आई, तीर्थंकर प्रकृति बांधने में कोई बाधा नहीं आई, परंतु उसके पांचवा गुणस्थान के योग्य परिणाम नहीं हो गया। ऐसा ही सहज वस्तु का स्वरूप है ये कहते हैं। अब नीचे का पैराग्राफ देखो, 336 का, विद्यमान जिस आयु को भोगता है वह भुज्यमान आयु। देखो जीव के साथ सत्ता में कितनी आयु रह सकती है? एक तो वर्तमान की जो भोग रहा है वो तो है ही, जब तक आयु का बंध नहीं किया तो एक ही आयु है उसकी सत्ता में। जब आयु का बंध करता है तो कितनी होगी? दो होगी या एक भी होगी? मनुष्य ने मनुष्यायु बांधी है तो हम कहेंगे एक मनुष्यायु है उसका सत्ता, और मनुष्य ने नरकायु देवायु तीर्यंचायु बांध के तो दो आयु का सत्ता है। ख्याल में आई बात? हाँ, यही कह रहे। देखो जो आयु को भोगता है उसको क्या कहेंगे? भुज्यमान आयु। और आगामी जिस आयु का बंध किया है वह है बध्यमान आयु। ऐसी दोनों अपेक्षा से नरकायु का सत्व होने पर, यानी जिसने नरकायु का बंध किया है या जो स्वयं नारकी है, ये नरकायु का सत्व, देशव्रत नहीं होते। यानी भुज्यमान आयु की अपेक्षा से भी जो नरकायु वाले ने नरक गति वाला जीव, उसकी भुज्यमान नरकायु है ना, तो उसको पांचवा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? अरे वहाँ होता ही नहीं नरक। और यहाँ मनुष्य ने जिसने नरकायु बांधी है उसको पांचवा गुणस्थान होगा कि नहीं? तो फिर नहीं होगा। ये इसका अर्थ है, नरक और तीर्यंचायु का सत्व होने पर। अभी नरकायु का सत्व हमने छोड़ दिया, अब अकेले तीर्यंचायु की बात करते हैं। जिसको तीर्यंचायु की सत्ता है उसको पांचवा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे स्वयं तीर्यंच को होता है तो तीर्यंच का स्वयं का उसने तीर्यंच स्वयं है ना, उसकी भुज्यमान तीर्यंचायु चल रही है। हमने क्या देखा था? जो मनुष्यों को बध्यमान तीर्यंचायु है उसको पांचवा गुणस्थान नहीं होगा, पर तीर्यंचों को स्वयं पांचवा गुणस्थान हो सकता है। तो नरक और तीर्यंचायु के सत्व में सकल व्रत नहीं होते, यानी तीर्यंचों को पांचवें गुणस्थान तक होगा, परंतु ऊपर के गुणस्थान तो मनुष्यों के ही होते हैं। हाँ, नरक तीर्यंच देवायु का सत्व होने पर क्षपक श्रेणी नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? जिसने आयु का बंध किया है वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि आयु का बंध है तो आयु भोगनी ही पड़ेगी, ये नियम है। अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोनीय 3, इन 7 की सत्ता का असंयतादि 4 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में नाश करके जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। अब वो कैसे नाश होता है वो तो हमने क्षायिक सम्यक्त्व के प्रकरण में बहुत विस्तार से देखा था, अभी अपना यहाँ विचार नहीं है जो अलब्धि सार में हमने देखा था। यानी जो क्षायिक समय दृष्टि है उसने सत्ता में से इन 7 का नाश कर दिया तो उसकी सत्ता में वो नहीं रहेगी। ये नाश कहाँ हो सकता है? चौथे में हो सकता है, पांचवे में हो सकता है, छठे में हो सकता है, सातवें में हो सकता है। देखो यहाँ 341 पर जरा पढ़ लेते। उस अनंतानुबंधी के चतुष्क को युगपत एक ही बार विसर्जन करता है, यानी 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमाता है। इस तरह विसंयोजन करके अंतर्मूर्त मात्र काल तक विश्राम करता है। युगपत है ना, एट ए टाइम चारों क्रोध मान माया लोग सबका युगपत करते एक अंतर्मूर्त लगता है, क्योंकि उसके जो कुछ फाली रूप से कांडक रूप से संक्रमण होकर नष्ट हो जाता है, चौथे वाला है वहाँ बंधने वाली कषायों में वो ट्रांसफर हो जाता है,
और वो नष्ट हो जाता है। उसको कल देखा ना अनंतानुबंधी का विसर्जन कोई भी कर सकता है, तो उसके बाद अगर दर्शन मोह की क्षपना की तो वो क्षायिक समय दृष्टि होगा। अगर मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व की क्षपना नहीं की समय प्रकृति की तो फिर वो विसंयोजन का फिर संयोजन हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, मिथ्यात्व में जा सकता है। पर जिसने विसंयोजना के बाद वो दर्शन मुनि की क्षपणा कर दी है वो क्षायिक समय दृष्टि हुआ, अभी वो चौथे गुणस्थान से नीचे कभी नहीं जाएगा। यहाँ का क्षायिक समय दृष्टि है, ग्यारहवें गुणस्थान है, वो मरकर कहाँ जाएगा? देव क्षायिक समय दृष्टि चौथा गुणस्थान होगा। ख्याल में आएगा? पहले हो गया ना, पहले लाइन में क्या पढ़ा? नरकायु का सत्व है तो देश व्रत नहीं होते, नरकायु तिर्यंचायु का सत्व होगा तो सकल व्रत नहीं होते, आ गए ना उसके अंदर। हाँ अभी देखो नीचे का पैराग्राफ, गुणस्थानों में सत्ता दी, इन्हें क्षायिक समय दृष्टि को वो साथ की सत्ता नहीं रहेगी, किसी को रहेगी किसी, जब वो सत्ता चाहिए ने वो अनंत आनंदी का क्षय करेगा तभी वो सत्ता में से गए निकल जाएगी, नहीं तो उसकी सत्ता तो रहेगी। अब गुणस्थानों में सत्ता कहते हैं, मिथ्यात् गुणस्थान में एक जीव की अपेक्षा आहारद्विक और तीर्थंकर का सत्व अनुक्रम से पाया जाता है। कैसे? अभी हमने देखा था किसी जीव ने ऊपर के गुणस्थानों में आहारद्विक का बंध करके वो सातवें और आठवें में बनती है, मिथ्यात् गुणस्थान में आया, नीचे मिथ्यात् गुणस्थान में आ गए, आहारद्विक की उद्वेलना की, मिथ्यात्व में आने पर उसकी उद्वेलना हो जाती है, उद्वेलना का अर्थ उल्टा संक्रमित होकर अन्य प्रकृति में संक्रमित होकर नष्ट हो जाती है सत्ता में से, अर्थात बंध हुआ था उसको दूर किया, पश्चात नरकायु का बंध किया, उसके पश्चात असंयत गुणस्थानवर्ती होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, क्योंकि नरकायु का बंध करने के बाद वो पाँचवा गुणस्थान वाला नहीं हो सकता, इसलिए चौथा गुणस्थान वाला हुआ, पश्चात दूसरी या तीसरी नरक पृथ्वी को जाने के काल में यानी मरण के अंतर्मुहूर्त पहले पुनः मिथ्या दृष्टि हुआ। इस तरह एक जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान में अनुक्रम से आहारद्विक और तीर्थंकर का सत्व पाया जा सकता है। क्या कर नहीं सकता? क्षायिक समय दृष्टि का दोनों का बंध होगा कि नहीं होगा? तो सवाल ही नहीं है, वो मिथ्यात्व में आता ही नहीं तो मिथ्यात्व में सत्व का सवाल कहाँ है? क्षायिक समय दृष्टि आहारक नहीं बांधता, तीर्थंकर नहीं बांधता, ये कहाँ कहा है? ऊपर के गुणस्थानों में दोनों की सत्ता होती होती है, वो दोनों की सत्ता लेकर नीचे आने की बात चल रही है, क्षायिक समय दृष्टि नीचे आता ही नहीं तो सवाल कहाँ है? उसकी सत्ता में दोनों की सत्ता पड़ी है, और जिसके दोनों की सत्ता है क्षायिक नहीं भी है वो तो नीचे नहीं आएगा, वो नेचुरल है, वो गिरेगा ही नहीं। देखो नाना जीवन की अपेक्षा इनका सत्व युगपत पाया जाता है, अगर हम नाना जीवन की अपेक्षा बात करेंगे तो दोनों का सत्व यहाँ कहेंगे हम, बंध नहीं था सत्व हो सकता है, क्योंकि बंधा हुआ जो इसमें अलग अलग जीव अलग अलग इसमें आ सकते हैं, भले अंतर्मूर्त के लिए भी क्यों ना है पर इसका सत्व हो सकता है। एक ही काल में किसी जीव के आहारद्विक का सत्व है और किसी जीव के तीर्थंकर का सत्व है, इस तरह मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर आहारद्विक का सत्व पाया जाता है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से हमने यहाँ देखा, तथा अन्य प्रकृतियों का सत्व प्रकट है ही, इसलिए मिथ्यात्व में सत्व 148, मिथ्यात्व गुणस्थान में 148 का सत्व बताया, क्यों? अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा। अब सासादन में हमने देखा था आहारक की सत्ता वाला, तीर्थंकर की सत्ता वाला, युगपत की बात छोड़ो सेपरेटली भी वो नहीं आ सकते, तो आहारद्विक और तीर्थंकर का सत्व किसी भी प्रकार से नहीं है, इसलिए वो तीन को छोड़कर यहाँ सत्व कितना हो सकता है? 145, सत्व 145। मिश्र में तीर्थंकर का सत्व किसी प्रकार से नहीं है, ये तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त आ सकता है, वो नरक में जाने वाला ना दूसरे में जाएगा ना तीसरे में जाएगा,
किसी भी प्रकार से नहीं है। तो सत्व कितना होगा? 147। आहार ग्रीक वाला आ सकता है तीसरे गुण स्थान। असंयतादि में जिनके अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शनमोह तीन, इनकी सत्ता पाई जाती है। ऐसे औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्य दृष्टि जीवों के असंयत में तो सत्व 148, क्योंकि उसने किसी भी कर्म का क्षय नहीं किया है, तो नाना जीवों की अपेक्षा, अलग अलग सत्वों की अपेक्षा 148 का सत्व पाया जाता है। एक जीव को भी पाया जा सकता है। देश संयत में नरकायु बिना सत्व 147, क्योंकि पांचवें गुण नरकायु की सत्ता वाला बद्धमान हो या भुज्यमान हो, पांचवा गुणस्थान है नहीं, इसलिए पांचवें गुणस्थान में कहीं पर भी हम देखेंगे तो 147 का सत्व पाया जा सकता है। प्रमत्त संयत में क्या, छठे गुणस्थान में? अरे नरकायु तो मैंने पांचवें में ही कैंसिल कर दिया, तो यहाँ नरकायु भी नहीं और तिरियंचायु भी नहीं है। सत्व 146। यह ऐसा जीव है जो क्षायिक समय दृष्टि नहीं है। ऐसा क्षायिक होगा तो इसमें साथ साथ माइनस करना है। अप्रमत्त संयत में भी उसी प्रकार सत्व 146 है। पुनः क्षायिक समय दृष्टि के इन गुणस्थानों में साथ साथ प्रकृति कम सत्व जानना। अगर उसने चौथे में एक क्षायिक किया है तो चौथे का सत्व हमने कितना देखा था? 148, उसमें सात कम कर दो, यानी चौथे गुणस्थान में 141 हो जाएगी। पांचवें गुणस्थान में ऊपर हमने सत्व कितना देखा था? 147। तो क्षायिक समय दृष्टि को कितना होगा? 139। वो करेक्शन करना पुस्तक में। तीर्यंचको क्षायिक, तीर्यंचको क्षायिक समय दृष्टि तीर्यंचको गुणस्थान कौन सा होगा? पांचवा। कैसे होगा? तीर्यंचो में क्षायिक समय दृष्टि कैसे होता है? तीर्यंचो में क्षायिक समय दृष्टि होते कि नहीं होते? भोग भूमि के कैसे होते? तो जो मनुष्य पहले जिसने तीर्यंचायु बांधी है, बाद में जिन्होंने क्षायिक समय को प्राप्त किया है, भोग भूमि की आयु तो पहले बांधी थी मिथ्यात्व अवस्था में। मिथ्यात्व अवस्था में भोग भूमि की आयु बांधी, बाद में समय दृष्टि हुआ, तीर्यंचायु बांधी थी उसने, समय दृष्टि हुआ, सादा समय दृष्टि नहीं चलेगा, क्षायिक हुआ, तो क्षायिक लेकर वो वहाँ का तीर्यंच हुआ गुणस्थान चौथा। तो भोग भूमि में पांचवा गुणस्थान वाला क्षायिक तीर्यंच कहाँ से होगा? तीर्यंचों में क्षायिक समय दृष्टि है, पांचवें गुणस्थान वाला क्षायिक समय दृष्टि नहीं है, ख्याल में ना? क्योंकि भोग भूमि का है वो तीर्यंच, ऑर्डिनरी तीर्यंच जो यहाँ का कर्म भूमि का तीर्यंच, औपशमिक समय को हो या क्षौपशमिक हो, पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। क्षायिक वाला तीर्यंश पांचवा गुणस्थान कैसे करेगा? नहीं करता। तो उसमें 139 करना, 140 के बदले 139 करो। पुराने पुस्तकों में, अभी नए में शायद करेक्शन किया हुआ होगा, अभी नए में बहुत सारे करेक्शंस किए हुए थे। अब छठे में देखो, छठे में तो 146 में से तो सात कम ही कर दिए, क्योंकि वहाँ नरकायु तिरियन जो हमको लिया ही नहीं था, तो वो 139 बराबर। सातवें में वो भी 146 में से हमने कम कर दिए सात, तो 139 वहाँ पर भी होगा। अब आठवें गुणस्थान में क्षायिक समय दृष्टि होगा तो 138 होता है। तो देखो अभी हम नीचे देखते हैं क्षायिक समय दृष्टि, क्योंकि उसके तो एक ही आयु है ना, इसलिए उसको 138 ले लेना। वहाँ प्रथम क्षपक श्रेणी की अपेक्षा कथन करते हैं, यानी क्षपक श्रेणी में कहाँ कौन सी प्रकृतियों का क्षय होता है, ये बात यहाँ बताई जाएगी। फिर से सुनना, चौथे पांचवे छठे सातवें तक किसकी सत्ता नष्ट हो सकती है, किसका क्षय हो सकता है? अनंतानुबंधी और तीन दर्शन में सात का है, अन्य किसी भी प्रकृति का क्षय यहाँ संभव नहीं है। तो किसी न किसी जीव की अपेक्षा उनकी सत्ता यहाँ किसके कहाँ होते वो हमने देखा। क्षायिक समय दृष्टि की अपेक्षा उसमें से हमने साथ साथ प्रकृतियाँ कम कर दी थी, और क्षायिक समय दृष्टि तीर्यंच में वो तो तीर्यंच भी वो पांचवा गुणस्थान नहीं प्राप्त करता, इसलिए पांचवें गुणस्थान के लिए उसको भी कम कर दिया था। अब आगे बढ़ते देखो, तो आगे जो क्षय वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा?
उपशम श्रेणी में कितने कक्ष होता है? एक कभी। तो कहाँ होता है? क्षपक श्रेणी में। तो क्षपक श्रेणी में कौन से कर्मों का क्षय होता है, उसका क्रम क्या है, वो यहाँ बताएंगे। भले हम तो आठवें गुणस्थान को क्षपक श्रेणी वाला कहेंगे, उसमें कोई प्रकृति का क्षय नहीं है। बहुत सारा प्रोसेस तो यहाँ नौवे में ही होने वाला है। देखो अभी यहाँ देखते 337, उसके नीचे उसका ऊपर का भी पैराग्राफ पढ़ दे, 336 का अंतिम पैराग्राफ। वहाँ अपूर्व करण में सत्व 138, सातवें में 139 था और यहाँ 138 लिया, क्योंकि सातवें तक तो देवायु का सत्व भी था और मनुष्यायु भुज्यमान वो भी था, इसलिए 139 गिने थे। परंतु क्षपक श्रेणी कौन चढ़ेगा? जिसने आयु नहीं बांधी, बस उसके मनुष्यायु का सत्व है, अन्य किसी आयु का सत्व नहीं है। तो सात प्रकृतियों का असंयतादि किसी एक गुणस्थान में क्षय किया है, तथा नरकायु तिर्यंचायु और देवायु का इसके सत्व नहीं है। सातवें गुणस्थान तक देवायु का सत्व हो सकता था किसी को, इसलिए वहाँ 139 गिनी थी। अब यहाँ देवायु का भी सत्व वाला क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसका अर्थ है अभी अरिहंत होकर सिद्ध होने वाला है। जिसने आयु का बंध किया है उसका भव निश्चित है, गति कोई भी बांधे उसे कुछ नहीं, गतियाँ तो बांधता रहेगा, उसका क्षय भी हो जाएगा। आयु बांधी तो उसको वहाँ एक भव तो आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके आयु बंधन न हुआ हो वही क्षपक श्रेणी मान सकता है। इस तरह 138 की सत्ता है, यानी 138 की सत्ता सहित वो क्षपक श्रेणी चल रहा है। अब अनिवृत्ति करणादि में, यानी नवे और आगे के गुणस्थानों में क्षय योग्य प्रकृतियाँ अनुक्रम से कहते हैं। अब ये अनुक्रम से हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रश्न है, शंका है तो पूछ लीजिए। पहले नहीं, अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के लिए तीन करण अलग होते हैं, उसके बाद अंतर्मूर्त का चला जाता है। अर्लीएस्ट अगर क्षपणा करनी है तो दर्शन मुनि के लिए तीन करण और मानता है। हाँ, अरे वो सत्ता में ही नहीं है। विसर्जना की उसका अर्थ क्या है? सत्ता में से नष्ट की। सत्ता में से नष्ट की तो उदय का सवाल कहाँ आया? अरे ये कौन कर रहा है? शायिक समय दर्शन का कार्य समय दृष्टि कर रहा है, जरा कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर से अनंतानुबंधी की विसर्जना समय दृष्टि कर रहा है, उसने विसर्जना कर ली, अभी वो क्षायिक कर रहा है। तो क्षायिक कर रहा है ना, उसके समय प्रकृति का उदय था, उसने पहले तीन करण द्वारा मिथ्यात्व का संक्रमण किया, समय मिथ्यात्व समय प्रकृति, फिर समय मिथ्यात्व का भी संक्रमण करके नष्ट किया और समय प्रकृति भी वो कांडघात वगैरह होकर अपने से निकल गए, इसलिए उसने क्षय कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।